हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी 2023 के बारे में। ये यूनिवर्सिटी गाइस, यहाँ पे आप लोगों को बोल दूँ कि जो यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में जो भी स्टूडेंट जो भी एप्लीकेंट लॉ कोर्सेज के रिगार्डिंग एडमिशन लेना चाहते हैं, उन्हें यहाँ पे लॉ के फील्ड में वेरियस न्यूमरस कोर्सेज में एडमिशन मिल सकते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी में। अब गाइस, यहाँ पे आप लोगों को जो है एडमिशन लेने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, तो आप लोगों को यहाँ पे जो है क्लैट के स्कोर के कार्ड बेसिस पे आप लोगों को यहाँ पे एडमिशन दिया जाएगा। अब बात कीजिए यहाँ पे गाइस इसकी डेट्स की, तो अभी तक ऑफिशियल अथॉरिटी के थ्रू यहाँ पे कोई भी इवेंट की डेट्स अनाउंस नहीं की गई है कि एप्लीकेशन कब रिलीज होगा आप लोगों का, एग्जाम कब होगा, आंसर की कब रिलीज की जाएगी, कोई भी इवेंट की डेट्स यहाँ पे अनाउंस नहीं की गई है। जिसे डेट्स अनाउंस हो जाएंगे उसके ऊपर वीडियो बना के आप लोगों को जो है नोटिफाई कर देंगे। अब गाइस हम बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म की, क्योंकि गाइस आप लोगों का जो एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, हम कोई भी गलती करते हैं, कोई भी मिस्टेक करते हैं, कोई भी इनवैलिड डिटेल्स एंटर करते हैं, तो गाइस आप लोगों का एप्लीकेशन यहाँ पे डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगा, मे बी एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट ना हो। क्या करना होगा कि एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो, तो गाइस आप लोगों को जो है सिंपली हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा हम उसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे और उस वीडियो में गाइस आप लोगों को जो है लाइव एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके बताया जाएगा, फ्रॉम स्टेप वन यानी कि आपका नाम एंटर करने से लेकर टिल फाइनल सबमिशन एप्लीकेशन फी तक इवन आप लोगों को पे करके बताया जाएगा। सो गाइस मेक श्योर आपने जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लिया ताकि आपको कोई भी परेशानी दिक्कत ना हो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो गाइस यहाँ पे आप लोगों का जो है क्लैट यानी कि कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट के बेसिस पे आपका एडमिशन लिया जाएगा, जिसके लिए आप भारतीय नागरिक होना जरूरी है, आपके पास वैलिड स्कोर का रहना चाहिए क्लैट का और 17 इयर्स आप लोगों की जो है एलिजिबिलिटी एज रहनी चाहिए मिनिमम एज लिमिट, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर BA LLB कोर्स के लिए अप्लाई करना है तो 12 पास आउट विद 45% यहाँ पे रहनी चाहिए, रिजर्व पास के लिए 40%, LLB के लिए बैचलर्स डिग्री आपके पास रहनी चाहिए यहाँ पे विथ मिनिमम 45%, तो आप लोग यहाँ पे एलिजिबल और अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद गाइस यहाँ पे आप लोगों का जो है एंट्रेंस एग्जाम होगा, एंट्रेंस एग्जाम होने के बाद गाइस उसके बेसिस पे मेरिट लिस्ट रिलीज की जाएगी, उसके स्कोर कार्ड के बेसिस पे देन काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, आप लोगों का यहाँ पे एडमिशन दिया जाएगा। तो गाइस नाउ आई होप कि आप लोगों को जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी 2023 में एडमिशन लेने के लिए अभी कुछ भी डाउट नहीं होगा। इनकेस कोई डाउट है, कोई भी हेल्प चाहिए, आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम जरूर आपकी मदद करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।